शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पुष्पा, ये सब क्या है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं। जब तक डैड जिंदा थे, तुम मेरे हस्बैंड थे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं लगती? जब घर पे होते हो तो हग और किस के लिए तरसती हूँ, और जब ऑफिस में होते हो तो फोन और मैसेज के लिए तरसती हूँ। पुष्पा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब इंटेंशनली करता हूँ? नहीं पुष्पा, मुझे भी तुमसे दूर रहकर तुम्हारी कमी महसूस होती है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी जो बिजनेस मेरे कंधे पे छोड़कर गए हैं, वो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। लेकिन मैंने तुमसे शादी डैड का बिजनेस संभालने के लिए नहीं की थी, मेरे लिए की थी, मेरी खुशियाँ मेरी ख्वाहिशों के लिए की थी। मगर अब लग रहा है कि तुम मेरे नहीं रहे। पुष्पा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। मुझे वक्त की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मगर ऑफिस और घर के बीच में इतनी दूरी हो चुकी है कि अब ना तुम मुझे वक्त दे पाओगे और ना वक्त तुम्हें मुझे दे पाएगा। जाओ, ऑफिस जाओ। अरे ओ पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, आई हेट टियर्स। आदि, टीना, कहाँ थी तुम? कुछ नहीं होता करने के लिए मुझे यहाँ, जब तुम यहाँ नहीं होती। आई मिस यू। आज वैसा नहीं लगा जैसे टीना को आदित्य ने हक किया। आई डोंट फील लाइक होल्डिंग अ ब्रूटल मैन। ओ रियली? मैं देख रही हूँ, हर रोज तुम्हारा स्टार्टर और मेन कोर्स मैं ही होती हूँ।
उसके लिए तुमने अपने अंदर कोई जगह ही नहीं रखी, जिसकी जगह अब मैं लेने वाली हूँ। आदित्य, अब मैं जॉगिंग करके बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे फेरे लेने हैं तुम्हारे साथ। बहुत जल्द टीना, मेरे कदम उसी राह पर है। बस अब सिर्फ इतना बाकी है, पुष्पा को हटाना है और टीना को बिठाना है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। आदि, मैं एक हफ्ते बाद आई हूँ, बहुत काम बाकी है ऑफिस में। ऑफिस में तुम्हारा काम बाकी है और तुम्हारे साथ पूरे हफ्ते भर का मेरा हिसाब बाकी है। टीना, तुम ऑफिस में ऑफिस के लिए नहीं हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ईयर्स एमबीए टॉपर मिस्टर आदित्य बख्शी। हे आदित्य, कांग्रेट्स मैन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आदित्य, हाय, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स टू यू टू। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं, मेरे पास बाइक है, बाइक पर चला जाऊंगा। तो फिर कॉफी पीने के लिए चल सकते हैं? आज तो नहीं, फिर कभी। तो कल 4 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके। ओके, बाय बाय। हेलो आदित्य। हाय। हाय, सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। इट्स ओके। पर तुम तो टाइम से पहले आ गए। You are very punctual, हाँ? क्या करूं? जिंदगी ने डिसिप्लिन में रहना सिखा दिया। अकेला हो ना? बचपन से अपने लिए अपना माँ बाप खुद मैं ही हूँ। ओह। तो इसलिए वक्त की बर्बादी अफोर्ड नहीं कर सकता। So sorry to hear that. It's okay. Sir, what would you like to have? Cappuccino. Okay, sir. Oh wow. हमारी तो चॉइस भी एक है। हमारी पसंद एक है, लेकिन हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। I didn't get you. पुष्पा, तुम्हारे पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और तुम उनकी एक लौती बेटी हो, लेकिन मैं I'm an orphan. आदित्य, इंसान की पहचान उसके काबिलियत से होती है, उसके स्टेटस से नहीं। एंड फॉर मी You are on the top. Thank you. Aditya, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा, ये साथ तब तक है जब तक तुम अपनी कंपनी ना संभाल लो या मैं कोई जॉब पे ना लग जाऊं। तुम्हारे साथ ये 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है कल ही तो मिले थे। मुझे भी कल 1 बजे तुम घर पे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। श्योर।
love you. I'm so sorry, Pushpa. I'm late. Aditya, तुम आज भी लेट नहीं हो. एक अब बजा है. You're on time. आदित्य, मैंने जब भी जहां भी तुमसे मिलना चाहा, तुम टाइम को ओवरटेक करते हुए मेरे पास पहुंचे. जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, इतना प्यार तो खुद मैं भी अपने आप से नहीं करती. Let's go. क्या हुआ? वापस स्टार्ट करो. शिट, मैं चेक करता हूं. Your lips, Aditya. Yeah.
क्या हुआ? अंदर चलो। नहीं, इस वक्त तुम्हारे डैड घर पर होंगे। तो तुम्हें डैड से मिलवा दूंगी। पहले उनसे पूछ लो, जान लो कि वो मुझसे मिलना चाहेंगे। पुष्पा, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझसे ये ना पूछे कि तुम कौन हो। बेटा आदित्य, तुम कैसे हो, ये सुनना चाहता हूँ। ड्राइवर, आदित्य को घर छोड़ दो। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे बाबा, गाड़ी में चला जाऊंगा। ओके, चलो बाय। आदित्य, आई लव यू। Love you too. Okay, ciao. Daddy! I'm sorry, Dad. My God, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। कपड़ों के दाग तो साफ हो सकते हैं, लेकिन रुतबे पे लगे दाग साफ करने के लिए ना तो कोई डिटर्जेंट है और ना ही कोई लॉन्ड्री। अरे यश, डैडी को क्या हो गया है? मेरी दूर और नजदीक दोनों ही नजर कमजोर हो चुकी है। मेरी आंखें, मेरी नाक पर पड़ा ये चश्मा है। कभी कभी कमबख्त ऐसा कुछ दिखा जाता है कि इसे तोड़ डालने को दिल करता है। क्या हुआ डैड? वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ था? थैंक गॉड, वही तो मैं सोच रही थी कि डैड पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे। उसका नाम आदित्य है डैड। करता क्या है वो? फिलहाल मुझसे प्यार करता है। डैड, मुझे जब भी उसकी जरूरत महसूस होती है वो वक्त से पहले मेरे पास होता है। अभी हमारी दोस्ती को 6 महीने हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। शादी करोगी उससे? Dad, love you. सर्व मंगल मंगल। होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। खाना तैयार है, लगा दू? नहीं, तुम जाओ। जी मैम साहब। पुष्पा, तुम अभी तक सोई नहीं? देखना चाहती थी कि तुम ऑफिस से कितने बजे आते हो रोज, और ओवरटाइम करने के बाद तुम्हारी हालत कैसी होती है।
अजीब डेस्टिनी है। हम दोनों ने शादी इसलिए की थी कि हम साथ रह सके, मगर मैं इस घर में अकेली और तुम ऑफिस में। आदित्य, हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब बोझ बन चुका है। हम आजाद हो जाते हैं, ना तुम मुझे बुरे लगोगे ना मैं तुम्हें बुरी लगूंगी। हम डाइवोर्स ले लेते हैं आदित्य। डाइवोर्स? पुष्पा देखो, तुम अभी गुस्से में हो, तुम नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो। मैं जानती कम हूँ, समझती कम नहीं। डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और ये उस वक्त होता है जब वो एक दूसरे से तंग आ चुके हों। देखो पुष्पा, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें टाइम दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। एक मौका दो प्लीज। कोई फायदा नहीं आदित्य, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। गुड नाइट पुष्पा। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत पुष्पा बख्शी के तलाक की अर्जी को मंजूर करती है और आदित्य बख्शी को धारा 125 के तहत पुष्पा बख्शी को जीवन पर्यंत 5,00,000 रुपया महीना भरण पोषण रूप में देने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। आदि, कॉफी। आदि, अगर पुष्पा डिवोर्स लेना चाहती है तो तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम तो खुद उससे अलग होना चाहते हो ना? हाँ, मगर इस तरह नहीं। अगर इस तरह मैं उससे अलग हो गया तो सड़क पर आ जाऊंगा। आई वॉज एन ऑफन, अनाथ था, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं सिर्फ उस तकदीर का सिकंदर था जिसने मुझे पुष्पा से प्यार करवाया, उसका पति बनवाया। अगर डिवोर्स हुआ तो मैं पुष्पा के दिल से ही नहीं, उसके घर से भी बाहर फेंक दिया जाऊंगा। आई बी जस्ट थ्रोन आउट। टीना, मुझे पुष्पा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, और जब तक मैं उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं बन जाता उससे अलग नहीं हो सकता। पुष्पा को डिवोर्स लेने से मुझे रोकना होगा। कैसे रोकोगे, पुष्पा का बनके या पुष्पा को बना के? पता नहीं, कुछ तो करूंगा। वैसे भी गलत काम करने का कोई सही तरीका नहीं होता। चार हो गए हाई नी कमीने मेरे यार हो गए, एक एक पैग कर चार हो गए हाई नी कमीने मेरे यार हो गए। लुकी मैनू कह शराबी, सारे मुझको कहे शराबी, मैं दारू पीती किन्नी, आज सारी रात पीने दो कल समय नहीं पीनी, आज सारी रात पीने दो कल समय नहीं पीनी, मुझे थोड़ा थोड़ा जी लेने दो कल समय नहीं पीनी, आज सारी नहीं।
ਰੋਕਣਾ ਛੋਟਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਛੋਟਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੋਕਣਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੁਝਸੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੁਝਸੇ ਬੋਤਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਹੈ ਸਕੀਮੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਣੇ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਣੇ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸੋਨਾ ਸੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸੋਨਾ ਸੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਨੀ ਆਈ ਨਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਣੇ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਣੇ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੁਝੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀ ਲੈਣ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀ ਲੈਣ ਦੋ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ अरे यार अबे ओ चिंचोली बंदर के चूजे कौन सा लेबल पिला रहे हो तुम लोग साला इधर लेवल ही सेट नहीं हो रहा सर अबे मेन्यू की कोई जरूरत नहीं है जा जो पीना था पी लिया हमने सर ये मेनू बुक नहीं बिल है हाँ? क्या बिल जी सर फाइन यार अबे बिल बिल नहीं भरते हम लोग समझा चल फूट ले इधर से सर सबसे लेते हैं ये क्लब है लंगर खाना नहीं लंगर खाना आई चगा हाँ लंगर चल जा मेरा पैसे देने का मूड ही नहीं है क्या तेरे को जो खाना वो खा ले मैं बुरा नहीं मानू आई एंजॉय लेकिन एक शर्त है ये नहीं कि तू मेरी जो भी लेगा वो मैं बाथरूम और किचन विचन में नहीं जाऊंगा जो करना है इधर करो ठीक है ये ऐसा ऐसा क्या करता है कथकली कर रहा है क्या हाँ देखो भाई मैं तो डर गया मजा आ गया हाँ जगह डाला मजा आ गया यार खैर अब होश में आ गया हूं तो हिसाब करते हैं ठीक है ये जो मेरा खून है ये कम से कम नहीं तो लाख रुपए का है तेरा बिल कितने का है 5000 5000 तो 95000 तू जमा कर ले 95000 जमा किस लिए किस लिए अभी बताते इसलिए Yeah.
अब बस करो, आल पैदा बिल। अच्छा क्या बात है यार। हाय हाय। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे कमाल है, आप लोग खड़े हैं, बैठिए। पॉकेट में होल और शॉक स्कॉच का क्या मिला इंसल्ट करवा के? देखिए सर, चक्कर क्या है, ठंड और इंसल्ट जब आप महसूस करो ना तब फील होती है। है ना? मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखिए मैं यहां पर आया है, दो चार घूंसे खाए, थोड़ा खून बहा लिया, आपने मेरा 5,000 का बिल भर दिया, और क्या चाहिए मुझे? हर जगह मेरे जैसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारा बिल पे करेगा। अरे तो कोई बात नहीं, दो चार हड्डियां और तुड़वा लेंगे। हे, do you know one thing? इंसान जब पैदा होता है, when a man is born, he's born with 270 bones, but when the same man dies, 206 bones. बाकी bones कहाँ पर गई? बॉडी ने खा ली। तो अगर दो चार हड्डियां तुड़वा ली तो कौन सी बड़ी बात है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम? एक मिनट, आधार कार्ड देख लूं अपना। श्याम मालवनकर। इधर क्या कर रहे हो? अरे गरीब आदमी क्या करता है साहब, बस घूम रहे ऐसे ही, थोड़ा रोटी के लिए, कुछ काम वाम मिल जाए बस। अरे ये कार्ड, ये कौन सा कार्ड है? डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड? ये विजिटिंग कार्ड है मेरा, कल मुझे आकर मिलो। सर एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो, वो क्या है कि ढोल और तबला जो है वो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे शाम बजाता है। साहब चना खाओ, चना खाओ। अरे इससे जनरल नॉलेज बढ़ती है साहब, चना तो बहुत अच्छी चीज है, खाना चाहिए। चलता हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो साला, सुबह से फ्री में डांस और एक्शन ऐसे ही देखे जा रहे हैं। चलो अपने अपने घर जाओ, चलो पैक अप। आज सारी रात पीने दो, कल समय नहीं पीनी। मजा आ गया। पता है भूखा रहना भी खाने का काम नहीं है, है ना डार्लिंग? दीदी 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 डार्लिंग, ये जो इंडियन आदमी होता है ना, ये जिंदगी नहीं जीता, जिम्मेदारियां जीता। हाँ हम तो अपनी जिंदगी जीते हैं फुल टू एंजॉय, क्योंकि जब तक आदमी जिंदा है तब तो उसकी कीमत है, एक बार मर गया तो फिर क्या घंटा? नो, इंसान की कीमत उसके मरने के बाद ही होती है। कौन बोलता है ऐसा, कौन बोलता है ये? अरे कुछ भी नहीं होता, मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद एक वो हांडा, हांडा उसके अंदर राख की तरह के कोने में पड़ा होता है आदमी, उसमें 5 रुपए का वो क्या बोलते, फॉस्फोरस, 5 रुपए का क्लोरीन, कैल्शियम, ये सब फालतू की चीजें होती है। अरे असली कीमत तो चिकन की होती है, चिकन की। ये जब जिंदा होता है ना तो 80 रुपए का होता है, और जब मर जाते हैं तो 300 रुपए का तंदूरी मिलता है मार्केट में, इसीलिए इसकी ज्यादा इज्जत है। बात कुछ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? पता है मैडम, मैं ये पूरी दुनिया जो है ना उसी को अपनी फैमिली मानता हूँ, इसीलिए हर जगह मैं पैसा कमाने के लिए चला जाता हूँ। फैमिली का नाम लिया ना आपने, सॉरी साहब, थोड़ा सा मैं एक्चुअली अपनी माँ के साथ रहता था। ये मेरा बाप,
रिश्वत लेते पकड़ा गया तो नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे दारू के पैसे तू नहीं देगी तो कौन देगा? पड़ोसी की बीवी। कहां से लाऊं पैसे? मेरे शरीर के गहने तो पहले से पी चुके हो तुम। हेलो पुलिस। अब ये बूढ़ा शरीर बचा है, अपनी शराब के लिए भेज दो इसे भी। ले चलो मुझे कहीं बाजार में, ले चलो किसी चकले पर। चलो क्या? चलो। क्या हुआ? बाजार में बैठेगी तू? ए, काय रे, क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, बचा लीजिए, बचा लीजिए, ये हम दोनों को मारना चाहता है। ये क्या बोल रहे हैं? हमने अपना पेट काट काट के इसे पाल पोस के बड़ा किया, बुढ़ापे में हम इससे थोड़ा खर्चा क्या मांग लेते हैं तो मारता है हमें, हमें धमकाता है, कहता है अगर खर्चा मांगा तो सुसाइड नोट लिखवा कर पंखे पर लटका दूंगा। इंस्पेक्टर साहब मेहरबानी करके इसे ले जाइए यहाँ से, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। क्या बकवास कर रहा है? ये एक्टिंग कर रहा है? ये खाली पकड़ बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। चल चल। अरे ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, ले चलो इसे। इसे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल खाने ले जाओ, पागल खाने ले जाओ। मेरे पिताजी ने अपने पावर का फायदा उठाकर मुझे पागल साबित कर दिया। अरे अरे इसका हाथ खोल दो, हाथ खोल दो। बैठ जाओ। तो पागल हो गए हो तुम? कैसे पागल हुए? घरेलू हिंसा, प्यार में धोखा, आवारा कुत्ते ने काटा, या टीवी पर डिबेट देखकर? अच्छा ये बताओ, किस हादसे का शिकार हो तुम? कुछ तो बताओगे, नहीं तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम पागल कैसे हुए। अच्छा जाने दो, ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? साला सस्ता मशहूर गुलाटी, इधर। अबे येड़े, जब तेरे को पता ही नहीं कि हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं, तो तेरे को डॉक्टर किसने बनाया बे? हाँ, तेरी तो हाथ किसने खोला? ले जाओ, ले जाओ। अरे एक मिनट मैडम, अपना नंबर तो दीजिए। ले चलो इसे। ये तो पागल की हद तक का पागल है, डाल दो इसे पिंजरे में। श्याम, श्याम कहाँ जा रहा है? वहां लाश पड़ी है तेरे बाप की। बाप नहीं है वो मेरा, बाप नहीं है वो, तेरा पति है। तो उन्हें मुखाग्नि कौन देगा? तू देगी, और कौन देगा? जब वो जिंदा था तब वो तुझे जीते जी जलाता रहा, अब तू उसे जला नहीं सकती? पागल हो गया है तू। वो नहीं था मैं, जब 5 महीने पहले इससे मुझे पागल खाने भेज दिया था। अब तो मेरी शक्ल क्या देख रही, इस मुर्दे को उठा और जाकर जला दे। और एक चीज का ध्यान रखना, घी से नहीं घास लेट से जलाना, क्योंकि घी जो होता है ना वो पवित्र शरीर के लिए होता है। मैंने जो जो कहा वो बात तेरे दिमाग में घुसी कि नहीं? अब इसको लेके जा और मुझे भी जाने दे। श्याम, मां उसका पति छोड़ के चला गया, मां को छोड़ के इधर चला आया। ये मुश्किल बातें छोड़ो साहब, आप बताओ कि काम क्या करना है? मर्डर करोगे? क्या? मजाक कर रहे हो? 5 लाख रुपए दूंगा। वैसे पहले कभी किया नहीं है साहब, लेकिन मैं वैसे हूँ, मैं कमिटमेंट अपना हो गया तो मैं हटूंगा नहीं पीछे। वैसे मर्डर करना किसका है?
अरे साहब ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको काय को मार रहे हो? ये जूता देख रहे हो, ये भी बहुत खूबसूरत है लेकिन पिंच करता है। ये वैसे ये पिंच करने वाली चीजों को ना मार देना चाहिए, जिंदा ही नहीं रखना चाहिए। अच्छा साहब ये जूता कौन सा नंबर का पहनते हैं? 9। क्यों? नहीं मेरा भी 9 नंबर है। मैं ऐसा सोच रहा था थोड़े टाइम के लिए अगर मैं आपका जूता पहन लूं तो। नहीं मेरा मतलब मार दो साहब, खत्म करो। सही है ये आदमी। टीना इसे पैसे दे दो। हाय भरोसा है मेरे को, लेकिन हिसाब नाम की भी कोई चीज होती, मैं हिसाब रखता हूँ। ये 2.5 लाख है, बाकी काम होने के बाद। ओके साहब। क्या करोगे इतने पैसे का? मैंने ना बचपन से एक प्लान बनाया हुआ हूँ। मैं ना एक करोड़ रुपए का एक बड़ा सा प्लॉट खरीदूंगा, हाँ, और उसके चारों बाजू में ऐसे 4 कुएं बना के उसमें कैरम खेलूंगा। देखो मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तेल लगाऊं, काम होते ही मुझे फोन कर देना। अरे साहब ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे शाम हो जाता है ना दीदी डार्लिंग। क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? कल रात से उस शाम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं साला शिकार किया या खुद शिकार हो गया। बोला था काम करने के बाद फोन करूंगा, क्या पता काम हुआ ही ना हो। टीना ये जो खेल मैंने खेला है इसमें अगर खिलाड़ी चूक गया तो वो सिर्फ खेल से बाहर ही नहीं होगा, खिलाड़ी का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खिलवाड़ हो जाएंगे। तुम उस पर क्यों नहीं आए जब मेरी उम्र शादी की थी, जब भगवान तुमको बना रहा था बैठ के? तो उनके पीए ने मेरे को फोन नहीं किया, वरना मैं आ जाता उस वक्त। साला पीए, उसको मैं सू कर दूंगी। अरे सू मत कर देना, पूरा स्विमिंग पूल गंदा हो जाएगा। अरे वो सू नहीं रहे, वो केस वाला सू कर दूंगी। अरे गरीब लोग को सू करके क्या मिल जाएगा। आओ कोने। साले मैंने तुझे किस काम के लिए पैसे दिए थे और तू इधर क्या काम कर रहा है? बताओ फिर किस काम के आपने मेरे को पैसे दिए, बताओ बताओ। आदित्य क्यों दिए पैसे तुमने? बताओ ये भी पूछ रही किस काम के पैसे दिए, बोलो। और ये छोड़ो, ये वैसे डीपने का और डीपने को जाएगा। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। इसने मेरे को 5 लाख रुपया दिया, कहते पैसे ले और मेरी कमीनी बीवी को मार दे। मुझे मारने के लिए? हाँ तुम्हें मारने को। 5 लाख उसकी सारी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, ऐसा बोला है बहन मेरे को। और वैसे भी
अभी तुम्हारी माँ बनने की उम्र में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये शादी वादी कुछ नहीं होता, ये सब फ्री में माँ बनाने के बहाने। तो लेकिन मुझे जुड़वा बच्चा चाहिए, एक लड़की चाहिए मेरे जैसी और एक लड़का चाहिए तुम्हारे जैसा। अगर त्रिमूर्ति हो गए तो मैं सुभाष घाई हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा लड़की हुई तो भाई गुंजा जैसी और अगर लड़का हुआ तो वॉचमैन राम सिंह जैसा। अरे क्या ये भाई वॉचमैन पागल हो गई हो, कोई अच्छा दिखने वाला तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं क्या? आदित्य। ए छी, अरे किसका नाम ले लिया? अरे सारी दारू खराब हो गई, ये हट। अरे उसका तो नाम भी मत लो, मैं तो भिखारी का बच्चा भी हो तो उसके जैसे नहीं होना चाहिए, उसके खुद के बच्चे उसके जैसे ना हो। अग्नि, किस मी, लव मी। कौन सा नंबर का पहनते हैं? नहीं, क्यों? मैं ऐसा सोच रहा था थोड़े टाइम के लिए, अगर मैं आपका जूता पहन लूं तो। ए साहब, कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? काई साहब, दरवाजे से आए हो ना, बाहर मैम साहब का रासलीला नहीं देखा क्या आपने? अरे बीवी है वो आपकी, सात जन्मों तक साथ निभाने का साथ फेरा लिया है और आपके जाते ही देवा देवा देवा। माना कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी खीट पिट हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके जाते ही वो किसी गैर मर्द के साथ वो सब करेगी। अरे भारतीय संस्कार भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हा? लेकिन मैम साहब ने जो हम औरतों के मान सम्मान को ठोक डाला है, मेरा मतलब है हम औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है ना, वो बहुत गलत किया। और हाँ साहब, जितनी जल्दी हो सके ना आप भी मैम साहब को छोड़ दो, ऐसी औरत का पति बनना अच्छे मर्द की निशानी नहीं है। हाँ तक साथ निभाने का साथ फेरा लिया है, माना कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी खीट पीट हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके जाते ही वो किसी गैर मर्द के साथ वो सब करेगी। जितनी जल्दी हो सके ना आप भी मेरे साथ को छोड़ दो, ऐसी औरत का पति बनना अच्छे मर्द की निशानी नहीं है। हाँ आ रही हूँ। आदि, क्या हुआ? आदि, टीना, I'm ruined, टीना, मैं बर्बाद हो गया। What? उस लड़ी शाम ने पुष्पा को नहीं, उसने मुझे मार दिया। What? उसने, टीना, उसने मेरी जगह ले ली। Okay, आदि, calm down. It's okay. Yeah. क्या बात है गुंचाई, किस चीज का जूस है? चीज और मक्खन से जूस निकालना मेरे को नहीं आता, ये एप्पल जूस है, मैं ले आया। एप्पल का तो पता नहीं, फिलहाल जूस मुझे बहुत सरकास्टिक लग रहा है। देखो पुष्पा, ना तुम मुझे हराना चाहोगी ना मैं तुम्हें। एक काम करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। कूल। पुष्पा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? घूमने तो मैं जा रही हूँ, पर शाम के साथ। शाम? कौन शाम? एक बाहर का आदमी इतना अंदर कैसे आया? कौन है ये?
ये बाहर का आदमी नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शाम मैं तैयार होकर आती हूँ, हम घूमने जाएंगे। ओके डार्लिंग। ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे शाम बजाता है। कमीने, ये सब क्या है? वही जो आप देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, इसे ज्यादा देखेंगे। सचमुच इंसानों से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। अच्छा, किसने कहा कि कुत्ते वफादार होते हैं? हैं? दरअसल पता है क्या है कि कुत्तों को दुनिया के फरेब का पता नहीं होता। जिस दिन पता चल गया ना, कुत्ते भी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। मैंने तुझे पुष्पा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और तू यहाँ आके उसके साथ घर बसाने का सपना देख रहा है। सपना कौन देख रहा है यार, मैं तो हकीकत जी रहा हूं। और वैसे भी पुष्पा को मारने से ज्यादा उसे जिंदा रखने में मेरा फायदा है। तुमसे डिवोर्स हो गए, प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी और मुझे क्या चाहिए? हाँ? और एक बात बता दूं, अभी तक पुष्पा को मैंने बताया नहीं है कि तुमने मुझे उसे मारने की सुपारी दी है। जिस दिन उसे पता चल गया ना, तो जो यहां पर राउंड अप मार रहे हो ना, ये वाइंड अप हो जाएगा। शाम चले? या श्योर। एक बात कहूं, जब आपकी बीबी पीली सलवार और सफेद कुर्ता पहनकर निकलती है ना, एकदम कड़ी चावल लगती है। मन करता है कि लिज्जत पापड़ रोस्ट करके ना खा जाऊं। क्या हुआ शाम? चलें? चलो। ये आदमी ना बहुत गंदी गंदी बातें करता है, कह रहा था कि लिज्जत पापड़ की तरह रोस्ट करके खा जाऊं। कोई भी नहीं बच पाएगा, मरोगे तुम दोनों। आदित्य!
कालू है जिसके ऊपर सरकार ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। पंचनामा हो गया? यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। गुड इवनिंग। मैं जानता हूं आप लोगों की इवनिंग गुड नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के नाते हमने गुड इवनिंग कह दिया। पित्त की तरह कड़वा, शहद की तरह मीठा, गिद्ध की तरह नजरें और बगुले की तरह ध्यान। इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम। मिस्टर आदित्य? सर मेरा नाम श्याम मालवनकर है। मैं आदित्य बख्शी हूं। ओह, मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं पुष्पा। पुष्पा मालवनकर या पुष्पा बख्शी? पुष्पा बख्शी। पुष्पा बख्शी। तो मिस्टर मालवनकर को बख्शी की जगह होना चाहिए और बख्शी को मालवनकर की जगह। मिस्टर बख्शी आप तो बहुत दूर खड़े हैं इनसे। एनीवे, कालू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और यहां आया था तो किसी की किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया होगा, लेकिन सवाल ये उठता है किसकी? कालू किसे मारना चाहता था? कालू को किसने मारा? एक्चुअली मैं और पुष्पा डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे, इतने में एक गोली चली और हमारी जो नौकरानी है गुंचा, उसकी चीखने की आवाज आई। जस्ट मिनट। नौकरानी क्या नाम बताया आपने? गुंचा सर। गुंचा कहाँ है वो? आइए आइए, जरा सामने तो आओ, चलिए। छुप छुप के चलने में क्या राज है? हैं? क्या नाम है आपका? गुंचा। कितने सालों से इस घर में काम करती है? मेरे को 2 साल हो गए साहब। हाँ, तो कालू ने आप पर गोली चलाई। अब जिंदा है तो जाहिर है उसका निशाना चूक गया होगा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कालू ने आप पर क्यों गोली चलाई होगी? मेरे को नहीं पता साहब, मैं तो उसको जानती भी नहीं है। याद कीजिए कुछ पुरानी बातें, कुछ मजबूरियां, कुछ बेरुखियां। गुंचा जी, कोई ऐसे जालिम नहीं होता कि किसी पर गोली चला दे। हो सकता है कि कालू की कोई डिमांड आपने ठुकरा दी हो। मैं बोली ना साहब, मैं तो उसको जानती भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप जा सकती हैं। मिस्टर आदित्य बख्शी, जब ये मैच चल रहा था, उस मैच में आप क्या थे? बॉलर थे, फील्डर थे, विकेट कीपर थे या अंपायर थे? मैं बाहर था, अंदर आया तो देखा कालू ने पुष्पा को गन पॉइंट पर लेकर रखा था। पुष्पा की जान बचाने के लिए मैंने कालू पर गोली चलाई। तो विकेट आपने ली? कैसे? बॉलिंग करके, विकेट कीपिंग करके, फील्डिंग करके या मैच फिक्सिंग करके? बताइए। ये अभी सस्पेंस है। जिंदा या मुर्दा कालू के पकड़े जाने पर सरकार ने कालू के ऊपर 1,00,000 का इनाम रखा था। तो मिस्टर आदित्य बख्शी, आपको सजा नहीं इनाम मिलेगा।
लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ आया किस लिए था? किसने उसे सुपारी दी? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक केस की फाइल खुली रहेगी। आप सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है, एक बार नहीं कई कई बार। और मैं यहां आ सकता हूं। आदित्य बख्शी, आपकी रिवॉल्वर कहां है? ये तो बड़ा ताजा ताजा है। लगता है कालू इसका पहला शिकार था। थैंक यू मिस्टर श्याम मालवंकर, एंड गुड लक मिसेज पुष्पा बख्शी। मुझे ऐसा लगता है कालू को यहां तुमने भेजा था। किसे मारने के लिए भेजा था? मुझे, शाम को, या हम दोनों को? पुष्पा, मैं जानती हूं तुम्हें हम दोनों का साथ होना हर्ट करता है। हर्ट करता है, क्यों नहीं करेगा? जब एक पत्नी अपने पति की जगह किसी गैर को रख ले तो पति क्या करेगा? पत्नी ने जहां गैर को रखा है, पति कई महीनों से वहां था ही नहीं। और शाम तुम्हारी खाली छोड़ी हुई जगह पे खड़ा है, तुम्हें हटा कर नहीं, और अब वो यहाँ से कभी नहीं हटेगा। पुष्पा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये प्रॉपर्टी बेचो, कहीं और चल के रहते हैं। अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है हमारे लिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ए श्याम, अब मुझे तेरा इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। तुझे क्या लगता है, मैं तुझे कामयाब होने दूंगा? अरे एक मिनट यार, इट्स टू लेट। कामयाब तो मैं हो चुका हूं ना, एंड यू नो ना, बहुत ही अच्छे से ढोल और तबला तो, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे देख के। किधर फंस गई मैं? कभी पुलिस वाला आता है, कभी वो कालू घुस जाता है, कभी मैडम और वो इलू इलू करते हैं। क्या मुसीबत है देवा? साहब, मेरे को बहुत डर लगता है, ये सब क्या हो रहा है? आपने मेरा पगार दे दो, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रही है। हाँ। इंस्पेक्टर क्या बोल के गया था, तुमने नहीं सुना? केस सॉल्व होने तक कोई कहीं नहीं जा सकता। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती है? तू एक काम करेगी। कैसा काम? तू करेगी, देखो साहब, झाड़ू पोता करना, कपड़े धोना, जूस बनाना, भाजी विजी बनाना, ये सब अपने को बराबर आता है। ऐसा कुछ काम है तो बोलो। तुझे शाम का मर्डर करना है। कैसा है? जिस श्याम का मर्डर वो कालू नहीं कर पाया, उसका मर्डर मैं कैसे करेगी? तुझे कैसे पता कालू श्याम को मारने के लिए आया था? मैं हूँ बेवकूफ नहीं हूँ साहब, मेरे को पता है श्याम साहब और मैम साहब का नजदीकी आपको पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आपने कालू को भेज दिया श्याम का मर्डर करने के लिए। कालू को मैंने भेजा है, ये तुझे कैसे मालूम? अंदाजा लगाया ना साहब, जैसे आप मेरे पास आया श्याम का मर्डर करने के वास्ते, वैसे उसके पास गया ना श्याम का मर्डर कराने के लिए। लेकिन ये सब मेरे से नहीं होगा साहब। 5 लाख दूंगा। 5 लाख श्याम का मर्डर करने के लिए? लेकिन साहब, मैं श्याम का मर्डर कैसे करेगी? जहर देके। लेकिन इसमें तो मैं भी तो मर जाएगी ना। इतना प्यार करने लगी है पुष्पा उससे कि उसके गम में वो मर जाएगी? गम भीम नहीं साहब, आजकल साहब और मैम साहब दोनों एक ही ग्लास में पानी पीते हैं, दोनों एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, तो हो सकता है ना कि दोनों ये जूस पी के साथ में ऊपर चले जाएं। ये क्या मुझसे नहीं होगा? सॉरी। पुष्पा,
अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपने ही घर और परिवार में स्ट्रेंजर हूं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या है, और ना ये समझ पा रहा हूं कि अगर गलती हुई है तो उसकी सजा क्या है, माफी क्या है। पुष्पा, मैं घुट रहा हूं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, पुष्पा या श्याम? हम दोनों में से कोई भी नहीं। मेरे साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। पुष्पा, मूड खराब कर दिया। पुष्पा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सॉरी, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या है यार, आप भी ना आते ही आपने मूड खराब कर दिया यार। चलो बेबी, कुछ करते हैं, हैं? नहीं, मेरा मतलब डांस करते हैं, क्लबिंग चलते हैं यार। मेरा भी मूड खराब हो गया। चलो चलो चलो, आप पीजिए, ये गुंचा ने बनाया है, बहुत खराब है। आदि, सुबह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, ना फोन उठाते हो, ना एसएमएस का जवाब देते हो। जिसे छोड़ने का मुझे सपना दिखा रहे थे, क्या उसी का ही होने का अब मुझे एहसास दिला रहे हो? टीना, मेरी दुनिया मेरे हाथ छोड़ती जा रही है, मुझे परेशान मत करो। प्लीज, आई जस्ट बेग यू। एक मिनट, गुंजा, क्या बात है, एकदम मल्टी विटामिन की तरह स्मेल कर रही है। कौन सा परफ्यूम लगाती है? वर्साचे की चांदोबा। काय साहब, पूरा टाइम तुम्हें किचन में रहती है, तो ऐसे च महकेगी ना, मिल गया। क्या लॉजिक दिया यार इसने। ये देखो, आजकल 80% जो न्यूज है ब्रेकअप और डिवोर्स की है। और एक बात कहूं, ब्रेकअप होने भी चाहिए, क्योंकि चाहे पति कमीना हो या बॉयफ्रेंड कमीना, लड़कियों को ऐसे मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियां भी ना, पति की रोटी और बच्चों की पोटी। और एक और चीज बता दूं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बेटी पढ़ाओ अभियान निकाला है ना, आने वाले वक्त में लड़कियां उसी आदमी के साथ रहेंगी जिससे उनकी दोस्ती हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह ही। सॉरी सर, आपका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आना पड़ा। एक्चुअली बहुत लेटर्स और कई चेक साइन करवाने थे सर। पित्त जैसा कड़वा, शहद जैसा मीठा, नित जैसी नजरें और बगुले जैसा ध्यान। इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम। गुड मॉर्निंग। यकीनन आज मॉर्निंग गुड है, क्योंकि सब जिंदा दिख रहे हैं, खाते पीते दिख रहे हैं। पिछली बार तो कालू नाम का एक मुर्दा भी यहां दिख गया था। हैं? ओ, आप यहां न्यू कॉमर दिख रही हैं। मैं आपका नाम और इन दोनों मर्दों से आपका क्या संबंध है, अगर मैं पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरा नाम टीना है। टीना, मैं आदित्य सर की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी या सेक्रेटरी? मैं समझी नहीं। क्या मेरा पर्पस या मेरा प्रोनंसिएशन? देखिए, मैं आप पर सीधा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरी खाकी वर्दी का जो 15 साल का अनुभव कह रहा है, इस घर में जो आग लगी है वो आग आप ही जैसी किसी माचिस ने लगाई है। सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप ऑफिस आकर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, आप ऑफिस जाइए, आप ऑफिस में ही अच्छी लगेंगी। लैपटॉप घर पे अच्छा लगता है, टेप टॉप ऑफिस में अच्छा लगता है। प्लीज। Thank you.
लेकिन पुष्पा जी, आप पत्नी पति का अफसाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर श्याम, आप मेरी इस डाउट पर कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, आप यहां पर मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने आए हैं कि हमारी केमिस्ट्री सॉल्व करने आए हैं? यही तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। सस्पेंस आपके और आपके रिश्ते में है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर आदित्य बख्शी ने अपनी पत्नी पुष्पा बख्शी को स्वयं श्याम मालवणकर के हवाले किया है, या श्याम मालवणकर ने मिस्टर आदित्य बख्शी से उनकी पत्नी पुष्पा बख्शी को छीना है। शतरंज की जो गंदी बाजी यहां खेली जा रही है ना, उसमें ढाई घर चलने वाला एक भी मोहरा नहीं है। मिस्टर आदित्य बख्शी, आपने जो रिवॉल्वर मेरे हवाले किया था, उस रिवॉल्वर से निकले हुए बुलेट से कालू नहीं मरा, यानी कि आपने कालू को नहीं मारा, कालू को किसी और ने मारा है। मतलब साफ है, इस घर में एक और रिवॉल्वर है और मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए। गुड लक। मुंचा बहुत अच्छा बनाती है चिकन मंचूरियन, मुझे भी बहुत पसंद है। अरे साहेब, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, खाना तैयार है, आइए खाइए। गुंचा, तुम यार इतना सब्जी वब्जी खरीदने जाती हो बाहर, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी ने सीटी बजाई हो, हाथ पकड़ा हो, छेड़ा हो? हाँ, रहते हैं ना साहब, अब बुच्चे सी लड़की पर कौन रहम करेगा। जब भी मैं किसी गली या नुक्कड़ में जाती है तो दो चार लफंगे मिल ही जाते हैं, मेरे को देख के सीटी बजाते हैं, पीछे पत्थर मारते हैं। हाँ, ऐसे लड़के होते ना, मतलब हॉट लड़की जा रही हो जी? नहीं, मतलब कोई भी लड़की जा रही हो तो ऐसा लोग करते हैं। और तुमने कभी किसी के यहाँ काम किया हो, उस बंदे ने तुम्हारा कभी शोषण किया है? लेकिन मैं तो इधर ही काम करती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे ऐसा लोग करते हैं ना, अगर ऐसा तुम्हारे साथ किसी ने भी किया, सीधा मेरे पास आना, पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके नाम पे FIR लिखवाएंगे। अरे ऐसे बहुत सारे शादीशुदा मर्द हैं जो अपनी नौकरानी, और नौकरानी छोड़ो, सेक्रेटरी के साथ भी लगे पड़े हैं। बहुत आरामी लोग होते हैं ऐसे। श्याम प्लीज चुप हो जाओ, परेशान हूं मैं, प्लीज। मंचूरियन बहुत अच्छा है, ट्राई करिए क्या? मुझसे ही गलती हो गई, तुझे काम सौंपते वक्त मुझे तेरा पता लेना चाहिए था, तू इस धरती का नहीं लगता। बिल्कुल सही पहचाना यार, क्योंकि शाम जो है ना, वो ऐसी ही धरती पे पैदा होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मुझे ना वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो औरतों पे अत्याचार करते हैं, क्योंकि जब औरतें रोती है ना तो उनके आंसू सीधा भगवान की हथेली पे गिरते हैं, और वो लोग उसका पाई पाई का हिसाब रखते हैं अपने अकाउंट्स में। यार खैर, मैं ये क्या फिलोसफी के चक्कर में पड़ गया, मेन बात क्या है कि ये पुष्पा तो मेरी है ही, बस आपकी जिंदगी का जो पुष्प है ना, उसको मैं नहीं खिलने दूंगा। मैंने हमेशा वही हासिल किया है जो मेरे मुकद्दर में कभी था ही नहीं। मेरी जिंदगी जा सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी से पुष्पा कभी नहीं। अरे एक मिनट जरा,
काफी गर्म हो गए हो सर, जाते जाते पंचलाइन तो सुनते जाइए। क्या है ना कि ढोल और तबला तो कोई भी बजा लेता है, लेकिन बांसुरी तब मजा लेती है जब उसे शाम बजाता है। तो तुम यहां बैठ के रो रही हो। पुष्पा तुम्हें क्या लगता है कि रोने से दर्द कम होगा? ये ना सब कमजोर लोगों का लिबास है, और आदमी जब हारा हुआ महसूस करता है ना तो तब ये लिबास पहनता है। तुम छोड़ो ना इसको, क्या प्रॉब्लम है यार, कौन सा रॉकेट साइंस है? नहीं जमा छोड़ दिया। और ये पतिव्रता होने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुमको। अरे कमी क्या है यार? पुष्पा तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कौन है वो प्रोफेसर, चार्ल्स डार्विन? उसे पता है कहा था कि इंसान जो होता है बंदर की नस्ल होता है, और एक बंदर पूरी जिंदगी कभी भी एक पार्टनर के साथ नहीं बिताता, और ये तो बहुत ही बड़ा वाला है। पुष्पा आई हेट टीयर्स, मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, मान ही नहीं रही है, रो रही है। आप लोग संभालो यार, मेरे को परेशान करके रखा यार इस बंदरिया ने। पुष्पा मुझसे जो भी गलती हुई वो हो चुकी है, अब या तो मुझे सजा दो या तो माफी, लेकिन इसे खत्म कर दो। तुम मेरी वाइफ हो, एक स्ट्रेंजर, एक गैर के साथ। जब भी मैं तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखता हूं तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है। हाँ हम बंदर की नस्ल है, बंदर नहीं। औरत जिंदगी भर उसी के साथ रहती है जिसे वो अपना पति मानती है। और पति उसके लिए भी हद है। पुष्पा मैं अपने हद में हूँ, मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है वो सड़क छाप। तुम्हें कैसे मालूम कि शाम सड़क छाप है? तुम जानते हो उस शाम को? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसकी हरकतें बता रही है कि वो किसी अच्छी जगह का नहीं हो सकता। शाम मुंबई के एक करोड़पति का बेटा है। ये तुम्हें किसने बताया? तुम अगर शाम के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो तो तुम बताओ कौन है वो। बस बाहर जाओ। पुष्पा अब तुम बाहर जाओ, मैं मेंटली थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो, जाओ यहाँ से। तू तो चाल में पैदा हुआ था ना, गरीब बाप मजदूर माँ, 5 महीने पागल खाने में, ये अचानक करोड़पति का बेटा कैसे बन गया? बहुत ही सिंपल है सर। देखो क्या है, आपको अपनी बीवी का मर्डर करवाना था तो मैं गरीब और लाचार बन गया, आपकी बीवी को आपका अल्टरनेटिव चाहिए था तो मैं अमीर बन गया। अरे अपना अपना सिस्टम है यार, बॉल जैसा हो वैसा ही शॉट मारते हैं। तेरा बोल्ड होने का टाइम आ गया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सांभली मत बनो, मैं बोल्ड नहीं होऊंगा, आप टीम से आउट हो जाओगे। आपकी बीवी किसको प्यार करती है? मेरे को। शादी मेरे से होगी तो प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? पियोगे? नहीं पियो मत। ये बताए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मर सकते हो आप। वो कहना कि ढोल और कितनी बार बोलूंगा यार मैं, बांसुरी तो तब मजा लेती है जब उसे शाम बजाता है। रोना, सिसकना और बिलकना, इंसान ये सब तभी शुरू कर देता है जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है। पता है चक्कर क्या है कि इस दुनिया ने मेरे दिल का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन कभी मेरे दिल से पूछो कि क्या कभी उसने आंसू बहाया है?
लड़कों की हदें तोड़कर अगर दामन पर गिरेगा, यकीन मानो ये पानी सब्र की तौहीन करेगा। वैसे एक बात कहूं पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। कभी कभी अपने आप को देख के मैं भी डर जाता हूँ। आई फील बहुत प्राउड कि इतना डरावना है मैं। लेकिन तू इतना शौक क्यों हुई सक्कू भाई? कुंचा भाई। कुंचा, थोड़ा ऊंचा बोलना, हड़बड़ा क्यों रही है? मैं कौन सा तेरे को प्रपोज करने आया हूँ? मैं तो उस आदित्य को शौक देने आया हूँ, उसको बोल मैं आया हूँ। चल ए, 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 एक मिनट, आदित्य को बोल मैं आया हूँ। तू कौन है बे? तू कौन है बे? एक दूसरे से सवाल ही करते रहेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कौन कौन है, समझा? तो सवाल क्यों कर रहा है? मैंने आदित्य के बारे में पूछा, आदित्य को बुला, बात खत्म। हाँ जाओ, आदित्य को बुलाओ, बोलो कोई कटा पिटा उठाई गिरा मिलने को आया है, जाओ। ए, बॉडी को कुतुब मीनार बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या बकबक कर रहा है तू? कौन उठाई गिरा? मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, सुपारी लेके हत्या करने वाला खुकियात गुंडा श्री कालू का भाई लालू मैं। और मेरा भाई कहा करता था, अपने अंदर का डर को निकाल के फेंक दो, तभी सामने वाले के अंदर डर पैदा होगा।
लेकिन मैं तो नहीं डरा। हर चीज पैदा होने के लिए बच्चे टाइम लगता है। तेरे अंदर भी डर पैदा होने के लिए टाइम लगेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, तू अपना काम कर। चल चाय बोल। चाय? तेरा तो जहर बनता है बे जहर। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं घर पे काले कलोटे। गरम चा लाई गुन चा। इन दोनों को गौर से देख लो, इन दोनों की हत्या करनी है। पैसा जो मांगोगे वो मिलेगा। भाई भाव बढ़ाओ, जिंदगी पर फिक्स रेट माटा के जूतों का होता है, मर्डर और किडनैप का नहीं। जिस रेट पे आप लोगों को टपकाते हो ना, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट ने आप पे इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा। ये आदमी ये छोटे छोटे कपड़े वाली के चक्कर में उस औरत को मरवाना चाहता है। बात को समझो भाई, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का गेम है, आईपीएल का नहीं। 10 लाख मांगते हैं। ये क्या बोल रहा है? ए, भाई हूं मैं भाई। हम दोनों का टैलेंट है ना बटा हुआ है। इसके पास पावर है और मेरे पास ब्रेन। मैं गेम प्लान करता हूं, ये गेम बजाता है। इस गेम के 10 लाख लगेंगे। ये एडवांस, बाकी काम होने के बाद। आओ आदित्य भाव आओ। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे बेईमानों की बस्ती में ईमानदार को देखा जाता है। याद आया? याद दिलाओ। एक लड़की के साथ हत्या की सुपारी देने के लिए कालू के घर आया था ना, उसी कालू का भाई हूं मैं। मुझे मालूम है तू यहीं पर मिलेगा। मेरा भाई कालू यहीं पर फिनिश हुआ था। उसकी हर जाने की रकम लेने आया हूँ। क्या है कि वो वांटेड था ना, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। तो इंश्योरेंस कौन? तू। पैसे निकाल चल। इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? थोड़ा धीरे बोल। क्या फुसफुस कर रहा है? मैं को आइटम है क्या? पैसे निकाल। ठीक है अभी बैठ जाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, बाहर जाके बात करते हैं। बैठ जल्दी आ। गुड मॉर्निंग। पित्त की तरह कड़वा, शहद की तरह मीठा, गिद्ध की तरह नजर और बगुले की तरह ध्यान। इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम। पुष्पा जी, आपके पति मिस्टर आदित्य हमेशा ये बताने के लिए उतावले रहते हैं कि आप इनकी पत्नी हैं, लेकिन मैंने जब भी आपको पाया है मिस्टर श्याम मालवनकर के बगल में पाया है। आपको मेरा श्याम के साथ होना बुरा लगता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मुझे पता है IPC 497 एडल्ट्री, पति लंघन यानी पर स्त्री गमन, अब क्राइम नहीं है। पुष्पा जी, अब तो ये व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता है, कानून इसकी इजाजत देता है। अब एडल्ट ही एडल्ट्री कर सकते हैं, और अगर कुछ बिगड़ना होगा तो नई पीढ़ी के बच्चे जो जन्म लेंगे उनका DNA बिगड़ेगा, और जो 2-4% बेचारों के बाप होंगे वो उन बच्चों के बाप होंगे ही नहीं। शकल से तो इंसान दिखते हो, फिर कुत्ते की तरह चाय क्यों पी रहे हो? चाय इंसान पीते हैं। या तो इंसान बन जाओ या चाय पीने का सलीका सीखो। साहब मजबूर हूँ साहब, आदत से मजबूर हूँ, खानदानी आदत है साहब। साहब आपने कभी पिया है ऐसा? पी के देखिए साहब, चाय कैसी भी हो पीने का मजा आता है साहब। कौन हो तुम? साहब मैं कुछ नहीं हूँ साहब, मैं रहा भटक गया था, एड्रेस पूछ रहा था, उस औरत ने चाय दे दिया, चाय पी के स्विमिंग करके निकल जाऊंगा साहब। शक्ल से तुम साधारण इंसान नहीं दिखते।
साहब जो कुछ भी हूँ अपनी माँ बाप की देन हूँ साहब। वैसे भी हमारे देश में अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कहाँ बन रहे साहब। शट अप, बैठ। मिस्टर श्याम मालवणकर, एक बात बताइए। जी सर। ये जब सब कुछ हो रहा था उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? आपने किसी को बचाया या किसी को मारा? सर इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, यकीन नहीं होता। पुष्पा जी आपके इतने करीब हैं, इतनी खास हैं। कालून को मारने आया और आप चुप बुद्ध की तरह खड़े रहे, नामुमकिन। कालू का मरना गुनाह नहीं है, लेकिन कालू जिस कारण मरा वह गुनाह है, और गुनहगार आप ही में से कोई एक है। लेकिन आप लोगों ने यहां इतना अंधेरा फैला रखा है कि बाहर से आने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। इतना जान लीजिए कि यह केस महादेव चौबे के पास है। अब महादेव चौबे जब तक मुजरिम को चौराहे पे खड़ा नहीं कर देता ऑन द सेंटर ऑफ फोर वेज, तब तक चैन की सांस नहीं लेता। ये क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तुम मेरे घर पर क्यों आए थे? अगर उस इंस्पेक्टर को पता चल जाता कि तुम कालू के भाइयों और मुझसे मिलने आए हो, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि पुष्पा को मारने के लिए कालू को मैंने सुपारी दी थी। ए भाई, वही सुपारी का पैसा लेने आया था मैं। अरे कालू ने पुष्पा को मारा? नहीं नहीं ना, वो खुद मर गया, तो फिर क्या पैसा? मेरा भाई तेरा काम करते हुए मरा है, मैं तो पैसा लेके ही रहूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए ना? हाँ। वो मैं दूंगा, तुम शाम को मार दो। ए भाई, ये मारने वारने का चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता है। देखो लालू, मेरी बात सुनो, तुम ये काम मेरे लिए मत करो, अपने भाई का बदला लो। ये आदित्य भाऊ, ये क्या लगा है भाई का बदला बदला? तू क्या मेरे को लॉलीपॉप दे रहा है? इंस्पेक्टर ने क्या बोला मैं पूरा ध्यान से सुना। तीन में से कोई एक मेरे भाई को मारा है। जिस दिन मालूम पड़ा ना वो एक कौन है, फिर शाम हो या तू हो, बराबर हिसाब करेगा मैं। वो मैडम, इसको लेके जाओ, चल निकल, हटा तेरा माचिस दिस। अब तक तो तुम्हारा शिकार सिर्फ पुष्पा थी, अब शाम भी हो गया। अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं वो कमीना पुष्पा को बोल ना दे कि उसे मारने के लिए शाम को मैंने भेजा था। आदि, शाम अगर पुष्पा से ये बात बोल भी देता है तो क्या हुआ, क्या होगा, क्या सबूत है उसके पास कि तुम्हें पुष्पा को मारने के लिए भेजा था? यस, यू आर राइट। टीना, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आ जा दे दिल बाइट। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आ जा दे दिल बाइट, दे दे दिल बाइट, ला 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 बाइट। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आ जा दे दिल बाइट। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आ जा दे दिल बाइट। Sorry lights, let me take you for a ride, come closer, hug me tight, let me love you all night.
Kar do sari lights, let me take you for a ride. Come closer, hug me tight, let me love you all night. Pani ko behne do, saath mein rehne do. Pani ko behne do, saath mein rehne do. Push, push, close, close. Lamhana aisa aata roz, is pal ko yun hi jeene do. Bas pyar ka nasha chadne do. Aaja mere close, close. Lamhana aisa aata roz, is pal ko yun hi jeene do. Bas pyar ka nasha chadne do. Aaj hai romantic night, ban ja mera Mr. Right. Kar de mera future bright, aaja de de love bite. जिस बातों को ना सोने दो, जो होता है होने दो. रात है ये बड़ी नशीली, एक दूजे में खोने दो. जिस बातों को ना सोने दो, जो होता है होने दो. रात है ये बड़ी नशीली, एक दूजे में खोने दो. पानी को बहने दो, साथ में रहने दो. पानी को बहने दो, साथ में रहने दो. Close, close. Lamhana aisa aata roz, is pal ko yun hi jeene do. Bas pyar ka nasha chadne do. Aaja mere close, close. Lamhana aisa aata roz, is pal ko yun hi jeene do. Bas pyar ka nasha chadne do. Aaj hai romantic night, ban ja mera Mr. Right. Kar de mera future bright, aaja de de love bite. क्या बात है सर, हैं? अक्सर मुझे देखकर आपका ये कलेजा जो है वो हलक तक आ जाता था. आज मतलब इतनी कमीनी हंसी देख रहा हूं आपके चेहरे पे. हैं? सीटी बीटी बजा रहे हो, माजरा क्या है? जब तालाब भरा होता है मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूख जाता है चींटियां मछलियों को खाती है. सबको मौका मिलता है. कल तेरा दिन था, आज मेरा है. कल मेरा गिरेबान तेरे हाथ में था, आज तेरी गर्दन मेरे हाथ में है. क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया सर? कौन से डस्टबिन में आपको अलादीन का चिराग मिल गया? नाइस जोक बाय द वे. तुम्हें डर नहीं लगता? भगवान से लगता है, और उससे जो भगवान से नहीं डरता. मैं वही दूसरे वाला हूं. अनेस्टी सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू. आज तक तो यही कहकर मुझे डरा रहा था ना, कि पुष्पा को बोल देगा. उसे मारने के लिए मैंने तुझे भेजा था. आज तक क्या, वो तो मैं अभी भी बोल सकता हूं. कैसे प्रूव करोगे, कैसे उसे यकीन दिलाओगे कि उसे मारने के लिए मैंने तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं. ढोल बजाया बांसुरी बजी. ₹5,00,000 दूंगा मैं. कमिटमेंट अपना हो गया तो हटूंगा नहीं पीछे. वैसे मर्डर करना किसका है? खूबसूरत है, इसको काहे को मार रहे हो? क्या बात है सर. कैसा लगा सर? सर मैं इतना बड़ा नंगा हूँ कि दूसरों को कपड़े में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता. मजा आया. हाँ हाँ मैं तैयार हूँ. चले. ओके. आपकी बीवी के साथ फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ. कोने की सीटें बुक की है मैंने. तेरी तो मैं... अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो सर? अभी सुबह सुबह ही प्रेस करवाया मैंने, खराब हो जाएगा. और एक्चुअली आइडिया मेरा नहीं है, आपकी बीवी का है. आप पूछ सकते हैं. ये लीजिए. वाओ, लुकिंग प्रिटी. ओ थैंक यू. चली शाम. चलो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पुष्पा के मर्डर को लेकर जो भी बात मैंने उसे की थी, एक एक शब्द उसने अपने फोन पर रिकॉर्ड करके रखा है. ओ माय गॉड.
जिस दिन उसने पुष्पा को वो सुना दिया तो मैं पुष्पा को खो दूंगा। आई विल लूज हर। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुझे लगा शादी करो, बीवी को घर में बंद कर दो और बाहर कुछ भी करो। भूल गया था कि घर में बीवी है, उसका इंतजार करती है, उसकी राह देखती है, और अगर उसके इंतजार की उम्र खत्म होने पर पति नहीं लौटता तो फिर वो उड़ जाती है। मुझे पुष्पा को वापस लाना होगा। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या? जो रिश्ता हम जी रहे थे उसकी शुरुआत जो भी रही हो, अंत तो यही था। तब सोचा था तुम्हारे लिए पुष्पा को छोड़ दूंगा, और अब पुष्पा के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आदि, नो। पुष्पा, पुष्पा, कुंचा, हाँ? पुष्पा किधर है? वो दोनों तो चले गए हनीमून। मेरा मतलब है, वो दोनों घूमने गए हैं ना ओरिसा। आपको नहीं मालूम? वो दोनों? कौन दोनों? मैम साहब और श्याम साहब। जी मैम, श्योर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ सर, पूछिए ना। पक्का? हाँ। आपकी एज क्या है? व्हाट? उम्र पूछ रहा हूँ आपसे। 32। 32? अरे वाह। और वैसे तनख्वाह कितनी मिल जाती है? ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे ही थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, टाइम पास है। 82,000। कितना? 82,000? काफी है यार 82,000। कितने सालों से आप काम कर रही हैं इस एयरलाइन में? 12 साल से। 12 साल से? 82,000, 12 साल से, काफी जमा कर लिया होगा आपने। है इतना सब पैसा है तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को, वहाँ नाला सो पर हमें खोले लेना था। क्या बकवास है ये? हाँ? क्या ये सब? अरे ऐसी टाइम पास ऐसी बातें करते रहते हो। कपिल शर्मा शो नहीं देखती क्या? गाड़ी का पीछा करो। कौन सी गाड़ी साहब? आगे तो कोई भी गाड़ी नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ए, चल निकल चल। लगता है ये पुष्पा मुझे पागल कर देगी। ओह वाव, लव इट ना? दिस इज सो ब्यूटीफुल। अरे तुमने पूरी अभी देखी कहाँ? कितनी खूबसूरत जगह है ना? कमाल है यार, ये तो इधर भी आ गया जासूसी करने के लिए। सेम होटल,
What a coincidence. Fantastic. वैसे डार्लिंग हम यहाँ क्यों आए हैं? क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, राइट? यस। और अगर कोई हमारे क्वालिटी टाइम में खिड़की से देखेगा, की होल से झांकेगा, तो हम क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, है ना? ट्रू। और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है। यस। और तुम चाहती हो बर्थडे तुम घर पे बनाओ, राइट? ऑफ कोर्स। तो चलें? यस। सी यू सर। अब घूमो अकेले अकेले। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं। मुझे वक्त की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मगर ऑफिस और घर के बीच में इतनी दूरी हो चुकी है कि अब ना तुम मुझे वक्त दे पाओगे और ना वक्त तुम्हें मुझे दे पाएगा। शाम के लिए सज रही हो? क्या करूं, मेरा श्रृंगार तुम्हें अट्रैक्ट तो कर नहीं पाया। शादी के बाद जब भी सजी हूं तुम्हें और बुरी लगी हूं। पुष्पा, आज तक जो बंद कमरे में हुआ अब वो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स के बीच होने जा रहा है, और इस बदनामी का साया जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं। आई एम सॉरी डैम इट। आदित्य, मेरा काजल और लिपस्टिक अभी फ्रेश है, अगर मैं चिल्लाऊंगी तो बिगड़ जाएंगे। सो प्लीज डोंट फोर्स मी टू स्पॉइल माय मेकअप। अबे तेरी माँ की बहुत इज्जत करता हूं मैं, समझा? इसलिए भड़क रहा हूं, केक भिजवा दे जल्दी, समझे? चल ये लो। अरे कैसा लग रहा हूं मैं, हाँ? तीन चार गोपियां घायल करूंगा कि नहीं, सच्ची बताना। मैं गोपी नहीं, गुंचा हूँ, गुंचा भाई। ए, तेरे पीछे कौन लगेगा? तेरे पीछे लगूंगा ना, मेरी पर्सनैलिटी का इंसल्ट है, समझी? बढ़िया है। ये लो पकड़ो। हाँ। और भी कहो मेरे को। अरे एक मिनट, ये जो पुष्पा है ये मेरे साथ अच्छी लगती है कि वो साउथ इंडियन के साथ आदित्य? मेरे को कोई भी औरत अपने पति के साथ ही अच्छी लगती है। हाँ तो ज्यादा अकड़ कर रही है, बहुत जल्दी उसका पति बनने वाला हूँ मैं, समझी? उसका मैचिंग मैं ही हूँ, वो नहीं साउथ इंडियन दाढ़ी वाला। अरे जाते जाते मेन डायलॉग तो सुनती जाओ। ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है। हाँ, बता, बता, जब जब उसे शाम बजाता है। मेलिया ये तो खुले इंसल्ट हो गए। Happy birthday. Many, many happy returns of the day. फलक से तोड़ कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। अबे ताली बजे ना। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 51,000, मुझे पता है 50,000 होते हैं, लेकिन 1,000 मेरी तरफ से। क्या बोलते हो भाई? हैप्पी बर्थडे। ये जो काटे की चुभन है ना, देखना तुम मुझे अगले जन्म तक याद रखोगे।
लड़ी मेरी। Really? Thank you, शाम। Darling, आज की शाम तुम जिंदगी भर याद रखोगे। I love you। चाय। चलो। केक किधर है यार? चलो गाइस, लेट्स कट द केक। अरे वाह। फैंटास्टिक। मोंजिनीज का केक सबसे अच्छा होता है। बाकी नहीं खाने। मोंजिनीज इज द बेस्ट। है डार्लिंग? राइट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर पुष्पा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो लेट्स डांस म्यूजिक। कई महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। इंतजार में हूं कि तुम कब आदित्य को छोड़ोगी और कब मुझसे शादी करोगी। अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन मुझे एक चीज का पता है, जैसे आदित्य ने तुमको धोखा दिया, तुम भी मुझे धोखा दोगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि मैं इतना भूखा नहीं हूं कि मैं तुम्हारे धोखे खाऊं। और तुम इसी वक्त मुझसे शादी करोगी, समझी तुम? अरे इसको छोड़ो ना, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इसको छोड़ो और मामला खत्म करो तुम। जब दो लोग बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो फिर वही दो लोग बिना तलाक के एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। तुम जानती हो ना, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझी? शाम, छोड़ो मुझे। शाम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। अरे ओ, क्या हो रहा है ये? कोई तो रोको, क्या कोई मर्द नहीं है यहाँ पे? और आप कब से देख रहे हो ये सब? शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो आप? हेल्प, पीछे चल। कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसका तो बर्थडे तुम लोगों का डेथ डे हो जाएगा यहाँ पे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मुझसे प्यार किया था लेकिन मैंने नहीं, मेरी लालच और एम्बिशन ने प्यार किया था, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार किया था। मैं तुम्हें किसी और में ढूंढ रहा था,
पुष्पा, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। आप आगे जितने जन्म लो, मेरा साथी, मेरा जीवन साथी बस तुम ही रहोगी, तुम ही रहोगी। तुम्हारी खुशी के अलावा कोई खुशी नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा। पुष्पा प्लीज मुझे माफ कर दो। आदित्य, सिवाय प्यार के मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर मुझे तो वो भी नहीं मिला। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर तो सकती हूँ पर जी नहीं सकती। आदित्य, मैं जी नहीं सकती। आदित्य, अरे ओ पुष्पा, आदित्य ये रिवॉल्वर खाली है और गुनेगार मैं नहीं, आप थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं यहां पर आपका घर तोड़ने नहीं, जोड़ने आया था। आदित्य, पुष्पा मेरे बचपन की दोस्त है और ये बात सच है, किसकी जिंदगी का पहला प्यार तुम ही हो। जब तुम लोगों की शादी हुई और मुझे पता चला कि तुम इसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो, तो मैं सिर्फ मदद करने के लिए आ गया। झूठी कहानी और किस्सों का सहारा लेकर मैं तुम तक पहुंचा, और तुम जो चाहते थे उसके लिए तुमने मुझे पुष्पा तक पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, तुम लोगों को एक करना, और आई थिंक आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज मैंने जन्मदिन पे पुष्पा को वो तोहफा दिया जो कोई भी नहीं दे सकता, तुम दोनों को एक करके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा बार बार आप लोगों के पास आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, खास करके ऐसे मौके पे। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ओहो, तो ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। सर, ये बंदूक मेरी है। ओ, तो ये बंदूक आपकी है? जी। फिर इसका लाइसेंस भी होगा आपके पास? जी। और सर, इसी बंदूक से मैंने कालू को मारा था। लेकिन अभी भी एक बात से पर्दा उठना बाकी है, वो ये कि कालू को यहां किसने पुष्पा जी को मारने के लिए भेजा? इंस्पेक्टर, पुष्पा को मारने के लिए कालू को मैंने सुपारी दी थी, मैंने उसे बुलाया था। अच्छा, आप अपना गुनाह कबूल करते हैं? यस सर। आइए। सर, सर प्लीज सर, सर कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? कोई रास्ता नहीं है मिस्टर मालवनकर, इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इन्हें अब हमारे साथ चलना होगा, इन्हें ट्रायल फेस करना होगा, इनको अदालत में पेश किया जाएगा। सर प्लीज, कोई रास्ता निकालिए ना। Thank you.
उपाय हो सकता है। पुष्पा जी अगर अदालत में मिस्टर आदित्य के फेवर में गवाही दे तो हो सकता है अदालत इन दोनों के फेवर में अपना जजमेंट दे। इंस्पेक्टर साहब, आदित्य ने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की, मैं इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तब तो आपकी इच्छा पूरी होगी, अब आप वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय योर पार्टी। हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। थैंक यू। तुम फिकर मत करना। और ये क्या, अरे रोना मत, तुम्हें पता है ना मुझे आंसू पसंद नहीं। ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं शाम। आंसू चाहे गम के हो या खुशी के हो, आंसू तो आंसू होते हैं। और तुम जानती हो कि पुष्पा आई हेट टियर्स। शाम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं नहीं, तुमने गलत नहीं समझा। एक्चुअली मैंने तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ गलत बताया, मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। आई एम सॉरी आदित्य। और हाँ, ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे उसे शाम बजाता है। पुष्पा आई हेट यस। आजा सी दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए। आजा सी दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए। एक लुक प्यार वाली दे दे सोनिए, लव करती है आज कह दे सोनिए। दूरियां मिटा के सारी आजा दिल के लिए। पुष्पा I hate tears। पुष्पा I hate tears। पुष्पा I hate tears। Pushpa, I hate tears. Pushpa, I hate tears. Pushpa, I hate tears.